नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फिर स्टे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, बीटीसी आयोग की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। जो सही में आज सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट को एसएलपी नंबर मिल चुका और एसएलपी नंबर मिलने के साथ साथ हेयरिंग डेट भी मिल चुकी है, और आज आप खुद देखें जो हमारे टीम लीडर सभी लाइव आए और एक पिंकी दी लाइव नहीं आ पाई है। तो पिंकी दी नाइट में जो हम लाइव आते हैं 10 PM में, तो पिंकी दी को नाइट में 10 PM में हम लाइव में जोड़ लेंगे, इसलिए नाइट में 10 PM में आप लोग लाइव आना नहीं बोलेंगे। दूसरी बात है, सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी या पटना हाईकोर्ट के फुल बेंच में जाएगी या नहीं जाएगी, तो क्या कुछ अभी अपडेट निकल के आई है, सारी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज से नहीं, लगभग 2-3 दिन पहले ही हम आपको बता दिए थे और हमारी टीम लीडर के द्वारा बताया गया था, जो सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट के द्वारा 2 SLP दायर किया गया, ठीक है, और अभी हेयरिंग डेट नहीं मिला क्योंकि 18 से आपको भी पता है कोर्ट बंद हो रहा, तो हेयरिंग डेट कैसे मिल जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया पर लोग आपको जो है अफवाह फैला रहा है, लोग आपको जो है भ्रमित कर रहा है सोशल मीडिया पर, जो एसएलपी नंबर मिल गया, एसएलपी नंबर मिल गया। भाई एसएलपी नंबर मिल गया है, वो भी जो है बैंक लॉकर की तरह उसको बंद करके रखा, ठीक है। दूसरी बात है, आज जो है सोशल मीडिया पर ये भी बता रहा है कि हेयरिंग डेट भी मिल गया। हम तो कहते हैं बाबू सुनवाई भी करवा लो, सुनवाई भी करवा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आज हमारे लीडर आपको पूरी जानकारी बता दी क्या है सच्चाई, समझे कि नहीं। और जहाँ तक अभी तक के जो अपडेट निकल के आ रही है, जो सरकार नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रही है और नहीं पटना हाईकोर्ट के फुल बेंच में जा रही है, इलेक्शन बाद ही सरकार कोई कदम उठाए, समझे कि नहीं। अगर सरकार इलेक्शन बाद अगर नहीं जाती है तो काउंसलिंग आपको जो है स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले आपको काउंसलिंग एक लेटर जारी किया जाएगा। हम इतना दिन के बीच हम आपको काउंसलिंग सभी स्टूडेंट को करवाएंगे और इस जगह हम काउंसलिंग करवाने वाले हैं, हम पटना में करवाने वाले हैं या अदर कहीं और हम काउंसलिंग करवाने वाले हैं, उससे पहले आपको एक लेटर जारी किया जाए, ठीक है। और सभी जानकारी हमारे टीम लीडर आपको बता ही दी, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, नो डाउट। दूसरी बात, जो पिंकी दी नहीं जुड़ पाई है, ठीक है, ड्यूटी निकल गई और पिंकी दी को नहीं जोड़ पाए, तो पिंकी दी को आज नाइट 10 PM में जोड़ लेंगे। तो सभी टीम लीडर से रूबरू हम आपको करवा देते हैं, जो हमारे टीम में कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं, सभी को एक बार पहचान जाइए, क्योंकि जो लोग को पहचानते थे वह तो जानवे करते हैं पलटी मार दी, ठीक है। ऐसे तो देख रहे हैं जो नीतीश बाबू भी पलटी ऐसे नहीं मारते जैसे पलटी लोग मारता है इतना जल्दी जल्दी, समझे कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपको परेशान होना है, समझे कि नहीं। इतना दूर लेके आए हैं तो लास्ट आपको जो आखिरी पड़ाव है मंजिल भी आपको पार करवाएंगे, और जो मेरा लक्ष्य है वही मेरा टीम का भी लक्ष्य है, जब तक आप लोग को ज्वाइनिंग करवाएंगे ना तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं, समझे कि नहीं। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना है। और जो बोल रहे हैं सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट का हेयरिंग डेट मिल चुका है वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि बस अभी तो अब कोर्ट बंद होने वाली है, क्योंकि आज 17 हो गया, कल से कंटिन्यू अब कोर्ट बंद हो जाएगी, इसलिए कोई हेयरिंग डेट नहीं मिलने जा रहा, ठीक है। लोग मेरा कॉपी करेगा करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति, हमें तो खुशी होती है कम से कम लोग मेरा कॉपी तो करता है, समझे कि नहीं। चलिए तो फिर हम लोग नाइट में मिलते हैं सभी स्टूडेंट में, नाइट में 10 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे, जैसे आज आप लोग अपना प्यार दिखाए अपना परिवार में, तो वैसे ही नाइट में भी आपको अपना परिवार से जुड़ना है, समझे कि नहीं, क्योंकि नाइट में भी पिंकी दी जुड़ने वाली और आयरन लेडी से कम नहीं है पिंकी दी, जैसे इससे पहले भी आप लोग जो है पिंकी दी से जुड़े हैं और स्क्रीन पर पिंक भी देख रहे हैं, ये पिंकी दी है, इनसे हम आपको नाइट में मुलाकात करवाते हैं, समझे, रूबरू करवाते हैं और आपके मन में जो भी डाउट है पिंकी दी से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नाइट में 10 PM में मिलते हैं। सभी स्टूडेंट जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही 10 PM में लाइव आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और जो भी आपके मन में डाउट है
वो आप प्रश्न लिख के रखिएगा, नाइट में पिंकी दी आपको क्लियर करेंगे आपके मन में जो भी डाउट हो। जैसे आज सुबह 12 बजे हम लोग लाइव आए थे, देखें सुरजी सर से आप लोग सवाल पूछे, पंकज सर से सवाल पूछे, सपना जी से सवाल पूछे, सभी जवाब मिला, वैसे ही पिंकी दी से भी सवाल पूछिएगा आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए नाइट में हम लोग मिलते हैं 10 PM में, सभी इसमें लाइव आना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।